हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक छोटे बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग। एक छोटे बच्चे के लिए कुर्ते कैसे कटिंग होते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये 1.5 मीटर कपड़े हैं, इसी में हम आपको एक छोटे बच्चे के लिए यानी 5 साल के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग बताएंगे। तो जैसा कि हमने इस कपड़े को लिया हुआ है, तो हमने इसमें इस तरह से इसको घड़ी करना है। तो इस तरह से आप इसको घड़ी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको घड़ी कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ऊपर यहाँ लाइन खींचेंगे, यहाँ से हम लेंगे लंबाई। लंबाई इसका जो है वो 18 इंच है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो 18 इंच है। तो हम एक इंची एक्स्ट्रा लेंगे, इसमें 19 इंची हम निशान लगाएंगे। तो 19 इंची पे हम यहाँ एक लाइन खींच देते हैं और इसका शोल्डर जो है वो 10 इंच है। तो हम 5.5 पर निशान लगाएंगे और इसका जो चेस्ट है वो 20 इंच है, तो उसका चौथा भाग आएगा 5 इंच। तो हम यहाँ 4.5 पर निशान लगाएंगे, यहाँ से 5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसमें हम 2 इंच लूजिंग देंगे। तो हमने यहाँ लूजिंग दे दिया इसका, और 5, 4, 9 यानी कि इसका चेस्ट, इसका बॉटम हम कितना रखेंगे। जैसा कि चेस्ट जो है वो 20 इंच है, तो उसका चौथा भाग आएगा 5 इंच, तो इसमें हम 3 इंची प्लस करेंगे, तो हम 8 इंची पर यहाँ निशान लगाएंगे। तो अगर आप इसमें छोटे बच्चे का है, इसमें आप पॉकेट भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप चॉइस है तो इसमें आप पॉकेट लगा सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको निशान लगा लिया है। अब इसको हमको क्या करना है, 14 है जिसका हमको, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये 15 इंची आ रहा है, जिसका भाग इसका आधा होगा 7.5 इंची, जिसमें हम 2 इंची माइनस प्लस करेंगे। यहाँ हम एक निशान लगाएंगे कमर का, तो कमर का हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ से अब अगर आपको पॉकेट लगाना है तो आप यहीं से पॉकेट लगा सकते हैं। तो यहाँ हम आर्म होल का निशान कर देते हैं और शोल्डर यहाँ हम डाउन कर देते हैं 1.5 इंच, और आगे का बैक इसका फ्रंट का गला जो है 2 इंच हम रख देते हैं, यहाँ से भी 2 इंच रख देते हैं क्योंकि ये गोल गला है। तो इस तरह से हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ से हमको इस तरह से इसको शेप करना है हल्का सा। इस तरह तो अब आपको पॉकेट अगर लगाना है आप, तो यहाँ से 5 इंची पे निशान लगा सकते हैं और यहाँ से 4.5 इंच पर, तो यहाँ से पॉकेट का निशान हो जाएगा। तो इसको हम कटिंग कर देते हैं। यहाँ हम इसको यहाँ से इसको हल्का सा कट कर देते हैं, जो चाक हमारा यहाँ खुलेगा। और इसका जो ऊपर का जो इसमें जो हम लगाएंगे चाक पट्टी, वो हम यहाँ 7 इंच लेंगे। यहाँ से हमको 7 इंच पट्टी कटिंग करना है। तो इसमें हमको बैग की कटिंग कर लेना है। तो बैग हम इस तरह से इसको घड़ी करेंगे, इसी तरह से आपको बैग भी घड़ी करना है और इसके ऊपर आपको फ्रंट को रखना है। आपको जितना आवश्यकता है उतना ही कपड़ा घड़ी करें। तो हमने इस तरह से इसको इसको ऊपर रख लिया है फ्रंट को, और ये जो गला है बैक साइड का गला, वो 1.25 इंची आपको रखना है। यहाँ से इसको ऐसा कर लेना है आपको।
फ्रंट को आपको नीचे ले जाना है, बैग बड़ा रखना है, बैग को रखेंगे हम 1.5 इंची, क्योंकि बच्चे का कुर्ता है, अगर बड़ों का होता तो यहाँ से हम 2 इंची इसको बढ़ा देते। तो अब यहाँ से हम शोल्डर देख लेते हैं, 11 इंच, 10 इंच है तो 5.5 इंच हमने निशान लगाया, यहाँ से हल्का सा हम सेव कर देते हैं आर्म होल के लिए। तो इस तरह से हमने बैक फ्रंट की कटिंग कर लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, हमको आस्तीन की कटिंग कर लेना है। तो हमको इस तरह से इसको घड़ी कर लेना है। हमको अब यहाँ एक लाइन खींचना है, यहाँ से आस्तीन की लंबाई लेंगे, आस्तीन की लंबाई जैसा इसका 12 इंच है तो यहाँ हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे, और इसका मोहरी जो है वो 8 इंच है तो हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 2 इंच डाउन करेंगे, इस तरह से हमने हल्का सा इसको राउंड कर दिया 2 इंच। और इसको आपको रखना है कमर सीने का चौथा भाग 5 इंची, तो हमने 5 इंची इसको रखा है। क्योंकि ये सिंपल आस्तीन है और फ्रंट जो है इसको हम हल्का सा डाउन करेंगे, फ्रंट की साइड में। तो इस तरह से हमने एक सिंपल कुर्ते की कटिंग किया, आपने देखा होगा। इस तरह से आप इसी साइज कटिंग कर सकते हैं, इसी साइज से आप और थोड़ा बड़ा भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको हमें कमेंट करें जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।